केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में 2 लाख बहुउद्देश्य डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं का को भी उसमें जोड़ा जाए।